बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए में इस वक्त तीन दल है, पहले चार दल हुआ करता था, लेकिन अभी तीन दल है, भाजपा, जेडीयू और हम। लेकिन अब भाजपा नंबर वन पार्टी है, उनके 77 विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई सालों से एनडीए को बिहार में लीड कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के जो विधायक हैं वो हर दिन किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाते रहते हैं। आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र में पहुंचे भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने प्रशासन पर अफसरशाही का आरोप लगाया और घूसखोरी का आरोप लगाया। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में हर जगह हर दफ्तर में लूट खसोट नहीं बल्कि डकैती हो रही है। अफसरशाही तो दूर की बात है, लोग अफसर डाकू बने हुए हैं, जनता का एक भी काम नहीं हो रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। फोन किया है, एक जमीन पर विवाद है तो हमको उपदेश दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं उनका थाना प्रभारी हमारे कुटुंब जगह पैसों ले लिया। अब बोलेंगे क्या? वो लोग बोलता है केवल रुपया लूटने के सिवा कुछ कर रहा है। हथौड़ी थाना प्रभारी पैसा ले लिया, मामला है जमीन का, विवाद हो रहा है तो वहाँ जाकर के एक्शन लेना चाहिए। एक्शन नहीं ले रहा है, हम ही को उपदेश दे रहा है, आप लोग ऐसे ही करते रहते हैं। नेता है तुरंत तो हम ही किए थे फोन तो हम कहें 7 साल के बाद इसी समाज में जाइएगा। अभी ना एसपी हैं आप, लॉलेसनेस है एकदम। सदन में उठाइए क्या इस मुद्दे? अब सदन में तो आज नहीं उठेगा, वो लिख करके देना पड़ता है। विधायक की बात नहीं है, थाना और मैंने कई बार कहा है और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि नीचे स्तर पर बहुत बुरी स्थिति है। थाना सीओ बीडीओ सरकारी कर्मचारी लूटने के सिवा कोई जनता का काम नहीं कर रहा है। अफसरशाही तो छोटी चीज है महाराज, अफसरशाही नहीं डाकूशाही हो गया है। सरकारी पदाधिकारी लूटने के सिवा कोई काम जनता का नहीं कर रहा। सरकार से क्या होता है, सरकार से महाराज। चलिए तो सुना आपने हरिभूषण ठाकुर बचौल को, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और कहा है कि मैं अपने क्षेत्र में एक थाने में गया था, वहाँ पर वहाँ का जो दरोगा था, जिले का जो एसपी था, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, जनता की बातों को नहीं सुनती है, बिना पैसे लिए एक भी काम नहीं करती है। बिहार में अफसरशाही तो है ही, लेकिन बिहार में डाकू अफसर बने हुए हैं, लगातार अफसर डकैती कर रहे हैं। तो बड़ा आरोप लगाया है हरिभूषण ठाकुर बचौल ने। बता दें कि एनडीए की सरकार है, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा के किसी न किसी नेता के द्वारा टारगेट किया जाता है। पिछले ही दिनों भाजपा के सांसद ने कह दिया था कि सत्ता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम तक का जिक्र कर दिया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, लेकिन इसी बीच हरिभूषण ठाकुर बचौल ने डकैती का आरोप लगाया और कहा है कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा है नीचे से नीचे स्तर पर, या फिर बड़े स्तर पर लगातार अफसर बिना पैसे लिए एक भी काम नहीं कर रहे हैं, जनता का एक भी काम नहीं हो रहा है, बिहार में डकैती हो रही है। तो इसके बाद जेडीयू का क्या इस पर प्रतिक्रिया आता है आपको हम बताएंगे। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।